प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के द्वारा 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत निकाली गई तिरंगा रैली। इस रैली में बड़ी संख्या में व्यापारियों समाज सेवी लोगों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य जन जन को हमारी स्वाधीनता दिवस के बारे में जागरूक करना और उन अमर शहीदों को याद करना जिन्हें हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि साथ ही साथ हमें हर घर में एक पेड़ भी लगाना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति संरक्षित हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, एडवोकेट उपाध्यक्ष एनबी सिंह, पवन पाल, सांस्कृतिक अध्यक्ष प्रिया पाल, कृष्णानंद राय, शिखा पटेल, अंजुम, सोनू, रमन, शिवम, विनीत श्रीवास्तव, सतीश आदि शामिल हुए। आज तिरंगा यात्रा की आपने शुरुआत की है, क्या कहना? तिरंगा यात्रा की शुरुआत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये चलाया जा रहा हर घर तिरंगा हर घर झंडा उसी के परिप्रेक्ष्य में शुरू की गई। एक जन जागरूकता रैली ये रही कि लोगों के अंदर अपने स्वतंत्रता दिवस जो हमारा इतिहास है उसको पूरी तरह से आने वाली पीढ़ी जाने और उस पर अमल करे और जो राष्ट्रीय फेस्टिवल होते हैं उसको अच्छी तरह से मनाए। जैसा कि आप सब लोग तो घूम ही रहे हैं सड़कों पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से लग रहा है कि आज ही के दिन हम आज़ाद हुए थे, पूरी तरह से आज़ादी का माहौल और जश्न लग रहा है। और बच्चे भी जो छोटे छोटे बच्चे उनके जहन में भी ये बात जा रही है कि आज़ादी आज के ही दिन हमें मिली थी और कितने साल हो गए आज़ादी के, इसी सब के लिए ये मनाया जा रहा है, कराया जा रहा है कार्यक्रम भी। और साथ ही साथ हमारा प्रयास ये है कि लखनऊ में कम से कम जहाँ पे झंडे नहीं पहुँच पा रहे हैं, सरकार तो पूरा प्रयास कर ही रही है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि झंडा हर घर पहुँचे, लेकिन उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि झंडा हर घर पहुँचे। उसके लिए हमारे जो टीम के सदस्य देख ही रहे होंगे आप लोग लगे हुए हैं, हर घर झंडा पहुँचवाने का काम करेंगे। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।